हेलो फ्रेंड्स, देखिए इंडिया 11 का जो है 15 मेंबर्स जो T20 वर्ल्ड कप में US और वेस्ट इंडीज में जाने वाले हैं, अभी उसके लिए 15 लोगों को अनाउंस किया गया है। कैप्टन रोहित शर्मा बनाए गए हैं, वाइस कैप्टन पांड्या को बनाया गया है। ये पांड्या इस समय फॉर्म उनका अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी उनका पास्ट एक्सपीरियंस है और वो ऐसा खिलाड़ी है, इतना जबरदस्त ऑलराउंडर है कि अगर फॉर्म में आ गया तो फिर पूछना ही क्या है, फिर तो कोई उसको रोक ही नहीं सकता। तो कुल मिला के जो मेन लॉटरी लगी है, एक जो है संजू सैमसन हो गए, यशस्वी जायसवाल हो गए और दुबे जी हो गए। ये यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे तो पहली बार सेलेक्ट हुए हैं और इस समय जिस तरह का उनका विस्फोटक खेल रहे हैं तो बिल्कुल सही सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा अब हार्दिक पांड्या जल्दी से जल्दी अगर फॉर्म में आ जाए तो वो बेस्ट है, क्योंकि इस बार जब से ये बॉम्बे गए हैं तो गाली सुना है इन्होंने, गुजरातियों का भी गाली सुना है, महाराष्ट्र बॉम्बे के लोगों का भी, क्योंकि वहाँ इनको जाना नहीं चाहिए था। एनीवे देखते हैं क्या होता है आगे। यजुवेन चहल को सेलेक्ट किया गया है एज स्पिनर, बहुत अच्छा किया है। रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ऑलराउंडर के रूप में रखे गए हैं, ये लोग भी डिजर्व करते थे। अक्षर पटेल जिस तरह की बैटिंग इस समय कर रहे हैं, बॉलिंग उनकी उतनी क्लिक नहीं हो रही है, लेकिन अगर क्लिक हो गई, स्पिनर स्पिनिंग विकेट मिल गया तो अक्षर पटेल कहर ढा सकते हैं। तो अक्षर पटेल को लिया गया है और दो विकेट कीपर में ऋषभ पंत डिजर्व करते थे, इतना जिंदगी से लड़ करके आए हैं वो। तो ऋषभ पंत और उसके बाद संजू सैमसन जिस तरह की विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं, टॉप ऑफ द टेबल हैं इस समय जो हमारे यहाँ IPL चल रहा है, तो जिस तरह का वो फॉर्म उनका लगा हुआ है इस समय सैमसन का, तो उनको इग्नोर करना बड़ा मुश्किल था। और उसके विक्टिम बने हैं KL राहुल, क्योंकि संजू सैमसन को तो इग्नोर किया ही नहीं जा सकता था एकदम, तो वो भी सिलेक्शन सही हुआ है। और मेन बैट्समैनों में तो यही है अपने विराट कोहली हैं और संजू सैमसन भी बढ़िया बैटिंग करेंगे, अपने ऋषभ पंत है ही है साथ में। तो कुल मिला के देखा जाए तो यजुवेंद्र चहल को लेके स्पिनिंग इन्होंने तगड़ा कर लिया है, फास्ट बॉलिंग में तो सिराज बुमराह और हर्षदीप सिंह इन लोग को लिया है। कुल मिला के पूरी बैलेंस टीम बनाया है और इसके लिए हम जो है BCCI सेलेक्टर को बधाई देते हैं कि उन्होंने बैलेंस टीम टीम के इंटरेस्ट में, कंट्री के इंटरेस्ट में, क्रिकेट के इंटरेस्ट में अपनी टीम बनाई है, कोई इंडिविजुअल फेवरिज्म वगैरह नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी इंजॉय करने के लिए तैयार हो जाइए, एक महीने बाद मैच शुरू होने वाला है और ऑल द बेस्ट टीम इंडिया, इस बार कप लेके ही आना है आपको और पाकिस्तानियों को बुरी तरह धूल चटाना है, कहीं मुंह दिखाने लायक न रहे। वो पाकिस्तानी देखते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट से ज़्यादा वो इंडियन क्रिकेट के बारे में डिस्कस करते हैं। बार बार बोलता हूँ तुम अपना देखो यार, इंडिया को छोड़ो भाई, बक्स दो इंडिया को। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, देख लीजिए लिस्ट पूरा अटैच कर रहा हूँ इसके साथ। प्लीज़ थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, वंदे मातरम।